हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन टेक्नोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में माउस के बहुत ही महत्वपूर्ण यूज के बारे में देखेंगे और सीखेंगे, जिसको आपने शायद ही यूज किया होगा। सो देखते हैं कौन सा यूजेज है माउस का। उसके लिए हम वर्ड को ओपन करेंगे, एमएस वर्ड। ये इस तरह से एमएस वर्ड ओपन कर लिया है मैंने। अब इधर मैं कुछ पैराग्राफ्स लिख कर दिखाता हूँ। इस तरह से मैं पैराग्राफ लिख लिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम इस वर्ड को मिनिमाइज करने के लिए हम माउस से इधर जाकर इस तरह से क्लिक करेंगे इस लोगो पर, तो ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन इस पर ना करके हम सीधे इधर टैब पर डबल क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन को, तो ये इस तरह से मिनिमाइज हो जाएगा और ये इस तरह से मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब हम दूसरा एप्स भी ओपन कर लेते हैं, ये फाइल एक्सप्लोरर और ये वेब। अब ये डॉक्यूमेंट है, मैं इस को छोटा करके दिखाता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और पीछे जो ये एप्स खुला है, YouTube और जो ये फाइल एक्सप्लोरर है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इधर से उसको बिना क्लिक किए। उसके लिए हम इधर वर्ड पर क्लिक करके इसको इस तरह से सेक करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं पीछे जो था ये वेब यूट्यूब का और ये एक्सप्लोरर, ये गायब हो चुके हैं। अब फिर से उसको लेकर आने के लिए हम इस पर क्लिक करके इसको सेक करेंगे, तो ये फिर से आ जाएगा। आप देख सकते हैं तरह से आप माउस का यूज कर सकते हैं। मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, ये फाइल एक्सप्लोरर है। अब इसको क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर क्लोज बटन पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। मैं फिर से ओपन करता हूँ, लेकिन वो ना करके हम इधर जो ये लोगो है इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये अभी नहीं दिखा रहा है। इस तरह से आप माउस का यूज कर सकते हैं क्लोज करने के लिए। अब इधर मैं इस वर्ड को बड़ा कर दे हूँ और इसको भी बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको इस तरह से लेकर जाएंगे तो ये वर्ड सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन वो न करके हम किस वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। यदि आपको मल्टीपल वर्ड सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाकर वर्ड पर इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसको कॉपी करके आप इस तरह से इधर पेस्ट भी कर सकते हैं। और हम यदि सेंटेंस, एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाकर उस सेंटेंस पर एक क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर हम तीन बार क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, एक दो तीन, तरह से तीन बार क्लिक करेंगे तो ये एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा और इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये, अगर आपको इन वर्ड्स का ये पहला अक्षर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से कर नहीं सकते, लेकिन आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अल्ट दबाकर इस तरह से आप इस सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करके उसको कॉपी करके तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इनमें से ये पहला अक्षर सिलेक्ट होकर आ चुका है। वैसे तो हम माउस से इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा वर्ड सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन इन सब वर्ड का ये पहला अक्षर तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्ट दबाकर इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी पैराग्राफ को और कॉपी करके इस तरह से पेस्ट करेंगे तो ये वर्टिकली इस तरह से पेस्ट होकर आएगा। इस तरह से अल्ट और माउस को यूज करके आप कोई भी वर्ड अथवा पैराग्राफ को वर्टिकली इस तरह से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे बिना अल्ट के तो ये इस तरह सिलेक्ट होगा। सो आप देख सकते हैं अल्ट और माउस का कॉम्बिनेशन का यूज इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी वर्ड कॉपी करके पेस्ट करना है तो आपको इस तरह से उस वर्ड को सिलेक्ट करके इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करना नहीं पड़ेगा। आपको उस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। उस वर्ड को पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाकर उस माउस को कहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं उधर लेकर जाएंगे और छोड़ देंगे तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं इधर
एनोदर और इधर भी एनोदर है, इस तरह से ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आप उसको कट करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्ट करके इस तरह से माउस लेकर जाएंगे तो ये इधर से कट होकर इधर पेस्ट हो चुका है। इस तरह से आप बिना राइट क्लिक करके उसको कॉपी पेस्ट किए, बिना कंट्रोल सी दबाए ही इस तरह से माउस के कंट्रोल के मदद से आप माउस का यूज ले सकते हैं। अब हम देखते हैं वेब ब्राउज में ये कैसे काम करता है, उसके लिए मैंने ये यूट्यूब खोल कर रखा है। अगर ये सब लिंक वीडियो को मैं न्यू टैब में ओपन करना चाहता हूं तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, इस तरह से ओपन करूंगा तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब ना करके कंट्रोल दबाकर इन सब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अपने आप ये नया नया टैब में ओपन हो रहे हैं। सो इस तरह से आप माउस का यूज ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये रहा माउस का कुछ यूजेस जो आपने शायद ही यूज किया होगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।